नमस्कार, आप देख रहे हैं livecities.in। किस आनंद मोहन से मिलने गए शिवानंद तिवारी? जो आनंद मोहन जेल के अंदर है, सजा हो चुका है, तो बिहार की जनता और जो राजपूत समाज है, वो लालू यादव के 1990 पटना के गांधी मैदान में लालू यादव ने क्या कहा था कि भूरा बाल साफ करो, भूमिहार राजपूत ब्राह्मण लाला को साफ करो। तो बिहार के राजपूत भूमिहार लाला और ब्राह्मण क्या लालू यादव के दौर को देखना चाहेगा? जो लालू यादव का सत्ता चलता था जंगल, आज फिर से राइफल का नोक, बड़े बड़े लग्जरी गाड़ी में निकला हुआ जो घूमता था, जो आतंक में लोग जीता था, बेखौफ जिंदगी जीता था, खौफ भरा जिंदगी था, उसको देखना चाहता है क्या? ये लोग देखिए, ये लोग जातिवाद का जहर इसके पूरे परिवार में, इनके परिवार में भरा हुआ है। हम लोग जाति का आधारित राजनीति नहीं करते, जमात की राजनीति करते हैं, विकास की राजनीति करते हैं। नीतीश कुमार जी ने बिहार को उस जगह पर ले गया, देश और दुनिया तारीफ करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री आते हैं, नीतीश कुमार का तारीफ करके जाते, क्यों? उनके चेहरे पर देख के नहीं ना करते, उनके काम पर। आज बिहार जो काम करता है दूसरे प्रदेश अनुकरण करता है, क्यों? इसलिए देखिए, बिहार में अब या तो विकास होगा, विकास की राजनीति होगा, या विनाश की। बिहार की जनता विकास का जो स्वाद है वो चख चुका है, विनाश का स्वाद नहीं लेना चाहता। तेजस्वी यादव जी पढ़े लिखे वो व्यक्ति नहीं है। अगर पढ़े लिखे रहते तो कुछ ज्ञान प्राप्त किए रहते। सभी मुख्यमंत्री को बंगला मिला है। कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा, कल लोक संवाद में, तो भी उनको ज्ञान की कमी, तो हम क्या कर सकते हैं? पढ़े लिखे हुए लोगों को ना आप कुछ समझा सकते हैं? जो पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ लिख के देता। आजकल ये तेजस्वी यादव ये ट्विटर यादव हो गए हैं, इनका न्यूज बनाता और डाल देता, इनको तो पता भी नहीं रहता। इसलिए देखिए, इनको कोई काम धाम नहीं है। बिहार की जनता बखूबी देख रही है 2019 और 2020 का चुनाव होगा। ये पिछले 2010 में 22 सीट पर थे, डबल डिजिट पार नहीं करेंगे ये लोग। सर, साथ ही कहा है कि चचा की चिंता लगी रहती है मुझे दिन रात, ये भी कहा है कि बीजेपी जरूर धोखा दे देगी उनको। देखिए, तेजस्वी यादव जी को संस्कार नाम का चीज़ नहीं है। संस्कार होता तो जिस शब्द का वो प्रयोग करते हैं, वो शब्द का प्रयोग नहीं करते अगर चाचा मानते तो। जिस तरह वो बयान में, ट्वीट पर जिस तरह का शब्द का प्रयोग करते हैं, एक पढ़े लिखे और संस्कार वाला व्यक्ति नहीं कर सकता। ये लोग बयान वीर है, बयान से ही लोग राजनीति करते हैं। जमीन पर जाके पता चल जाएगा आपको कि जमीन पर क्या हो रहा है। आज जो काम नीतीश कुमार जी ने किया है, उपलब्धि है हमारी बिहार के लिए। सात निश्चय, लोक शिकायत निवारण कानून, शराबबंदी, दहेज प्रथा, बाल विवाह, ये मामूली चीज़ है क्या? हम लोग समाज में जो कुरीतियों को खत्म करने के लिए जो नीतीश कुमार जी ने संकल्प लिया है, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी मन की बात में इनकी प्रशंसा की है। तो देखिए, इनको बौखलाहट, उनके पेट में दर्द होता है जब नीतीश कुमार जी का बड़ाई होता है, देश और दुनिया के लोग करते हैं, तो इनको बौखलाहट होता है। तेजस्वी यादव जी, आज अगर लोकतंत्र के मंदिर में दोनों भाई प्रवेश किए हैं, किसका देन है? 2010 में भी बहुत वर्चस्व वाले नेता थे, बहुत वोट के नेता थे, तो क्यों नहीं 22 सीट पर टक गए? जब महागठबंधन के नेता नीतीश कुमार जी हुए तो दोनों भाई के हाथ में हल्दी लगा। 2019 है, 2020 आने वाला है, पता चल जाएगा कि कौन कितना पानी में है। देखिए, तेजस्वी यादव जी जिस तरह न्याय यात्रा पर, किस बात का न्याय यात्रा? उनको तो प्रायश्चित यात्रा पर निकलना चाहिए। किस चीज़ का क्या न्याय मांगेंगे पब्लिक डोमेन में जाके, कि मेरे पिताजी और मेरा 28 साल का उम्र, मेरी बहन, उनके लालू जी के दामाद, दूसरे दामाद, भ्रष्टाचार का ये गैंग है लालू यादव का। इतना अपार संपत्ति, जो लालू यादव 10 बाई 10 के कमरे में रहते थे वेटनरी कॉलेज में, आज पूरे देश में कहाँ ना इनका मकान जमीन है, कहाँ से लाए भाई? आय का स्रोत बताएं। ये देखिए, ढोंगी लोग हैं,
बिहार की जनता समझती है, और बिहार की जनता 1990 का दौर नहीं देखना चाहती है।